भाई अगर आपका इंटरनेट पैकेज खत्म होने वाला है और बहुत सारी एमबी बाकी है या जीबी बाकी है, तो उस जीबी को आप स्टोर कर सकते हैं अपने इमरजेंसी यूज के लिए। गूगल का इस्तेमाल करते हुए आप इंटरनेट डेटा स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो वाईफाई से है चाहे आपके इंटरनेट डेटा सिम में है। तो आप बड़ी आसानी के साथ गूगल का यूज करके, प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि वो गूगल की ही प्रोडक्ट है जो आपको इमरजेंसी बैंक प्रोवाइड कर रही है, जिसमें आप अपना डेटा महफूज कर सकते हैं उस टाइम के लिए जब आपके पास बिल्कुल भी डेटा नहीं है और आप इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं। तो कैसे, वही सीखेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नईम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहां पर देखें जी, इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे आपने सिंपल नीचे आप ओपन यूजेज एक्सेस पे क्लिक करेंगे, तो यहां पे जस्ट मैं क्लिक कर देता हूं। तो जैसे क्लिक किया तो यहां पे आप डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे आप लोगों को। यहाँ आप लोगों ने इसे सब एप्लीकेशन को परमिशंस, एक्सेस सारा कुछ दे देना है यहाँ पर। और जैसे ये देंगे तो भाई इसका आप लोगों ने कमाल देखना है फिर। तो मैं यहाँ पे इसे एक्सेस दे देता हूँ। तो यहाँ पे बैक जाते हैं, तो यहाँ पे देखें जी, इस तरह का इंटरफेस है इसका। तो पहला ऑप्शन देख लें, यहाँ पर डेटा मैनेज डेटा का है, डेटा लिमिट का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमरजेंसी बैंक का, ये देखें जी, ये रहा आपका इमरजेंसी बैंक। एक्चुअल में ये इसको हमने टारगेट करना है। तो मैं यहाँ पे इमरजेंसी बैंक पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड डेटा बैलेंस टू बिगिन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका वो जो बैलेंस डिटेल्स है वो हम यहाँ पर देंगे। तो ऐड बैलेंस डिटेल नीचे यहाँ ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे इमरजेंसी डेटा यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों ने वो डेटा लिखना है जो आप स्टोर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5 GB डेटा। तो यहाँ MB का यहाँ आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर GB कर सकते हैं। तो ये GB कर दिया है। तो यहाँ पे करंट डेटा बैलेंस आप लोगों ने अपने कैरियर से चेक करना है। आप जो भी वाईफाई डेटा या जो भी मोबाइल सिम डेटा यूज़ कर रहे हैं उस पे आप लोगों ने एग्जैक्टली वहाँ पर जाकर चेक करना है कि आपकी कितनी MB, करंट MB कितनी खड़ी है, कितना डेटा खड़ा है, वो आप लोगों ने यहाँ पे एग्जैक्ट देना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल GB है, तो यहाँ पर मेरा डेटा खड़ा है जी 10 GB डेटा खड़ा है। तो उनमें से जो 5 GB है मैं वो मैं सेव करना चाह रहा हूँ, और 10 GB जो है वो मैं 5 GB स्टोर करना चाह रहा हूँ, 10 GB मेरा करंट डेटा खड़ा है। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएगा एक्सपायरी डेट का, ये देखें जी, ये एक्सपायरी डेट के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट हम मेंशन करेंगे। यहाँ पे देखें जी आज 25 है, 25 नवंबर है। तो यहाँ पर जी मैं इसे चाह रहा हूँ कि मैं 30 तक यूज़ कर लूँगा, 30 मेरी एक्सपायरी डेट होगी। तो यहाँ पर 30 कर देता हूँ मैं। आप नेक्स्ट मंथ पर भी जा सकते हैं, आप दिसंबर में भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जी दिसंबर की 10 डेट लगा लेता हूँ, यहाँ पर सैटरडे दिसंबर 10 कर देता हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर दें। तो ये मैंने ओके कर दिया, ये जी मैंने ओके यहाँ पर प्रेस कर दिया। तो जहाँ पे ओके, तो यहाँ पे देखें जी नवंबर 25, 2000। तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट दोबारा सेट कर लें जी, ये 10 नवंबर, ओके। ये देखें जी 10 दिसंबर 2022 जो है वो डेट यहाँ पर जो है वो एग्जैक्टली सेट हो चुकी है। उसके बाद कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये देखें जी डिटेल सारी जो है टर्न ऑन डेटा सेवर, जैसे ही आप बैलेंस इनपुट करेंगे तो आपके पास इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, टर्न ऑन कर देना है। तो ये देखें जी मैंने टर्न ऑन कर दिया। तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा इसके बाद। तो यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसे अलाउ कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर अलाउ कर दिया है। तो कनेक्शन रिक्वेस्ट, यहाँ पर आपका डेटा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो लाजमन होना चाहिए, जो भी डेटा आप यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये जी ओपन सेटिंग, यहाँ पे ओपन सेटिंग में आ जाए आप इसे ने इस एप्लीकेशन को हर परमिशन देनी है। आप परमिट ड्राइंग ओवर अदर ऐप्स, ये भी आप लोगों ने इसे परमिट भी दे देना है कि ये ओवरले भी कर पाए। बैक चले जाना है। तो प्रॉपरली इस स्टेप्स को फॉलो करना है, अगर कोई भी आप स्टेप मिस करेंगे तो भाई ये डेटा सेव नहीं होने वाला। तो यहाँ पर जी
ये अब ऑन हो चुका है, तो बैक जाते हैं। तो बैक आने के बाद यहाँ पे जी डेटा सेवर आप लोगों ने यहाँ से ऑन करना है इसे। इस डेटा सेवर को आप कभी भी ऑफ ना कीजिएगा। जैसे ही आप इसे ऑफ करेंगे तो आपकी सेटिंग सारी डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। तो यहाँ पे कीप सेविंग यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कर दें, तो यहाँ पे एमरजेंसी डेटा यहाँ पे देख सकते हैं टिक का, ब्लू टिक का निशान आ चुका है। तो अब इस आपका डेटा जो है वो सेव हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह आप अपना डेटा सेव। और रिमेंबर वन थिंग, आप लोगों ने कभी भी इस एप्लीकेशन को आप लोगों ने क्लोज नहीं करना, बंद नहीं करना, हमेशा इसको ऑन रखना है आप लोगों ने। और यहाँ पर जो आप लाइव देख सकते हैं, ये वाली एप्लीकेशन बिल्कुल गूगल की तरफ से, डेटा सेविंग ऐप बाय गूगल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली एप्लीकेशन बाज़ रीजन्स में ब्लॉक कर दी गई है, वहाँ पर आपको प्ले स्टोर में देखने को नहीं मिलेगी। तो आप लोगों ने गूगल क्रोम में आना है, वहाँ पर इसे आप लोगों ने टाइप करना है डेटा ली ऐप, तो आपको डायरेक्ट ये देखने को मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डेटा ली, ये देखें जी पहले ही आ चुकी है जी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको बताता हूँ कि हमें किस वेबसाइट पर जाना है। तो आप लोगों ने सिंपली स्वाइप कर वेबसाइट को चूज़ करना है, जो कि पहले आएगी डेटाली ऐप डॉट ए पी के। तो इस एप्लीकेशन को इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर देखें जी आप, इस ही तरह मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखें जी डेटाली ए पी के गूगल सर्च, ये यहाँ पे apkpure.com में आना है आप लोगों ने। तो इसमें जैसे ही आएंगे तो आपको भाई ये वाली एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपना इंटरनेट डेटा जो है वो स्टोर कर पाएंगे।